हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस मैं विशाल सर एंड आप सबका स्वागत है एड्यूकोडेमी पे एड्यूकोडेमी द न्यू ऑनलाइन लर्निंग हब स्पेशली मेड फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल स्टूडेंट्स सो एडकोडेमी क्या है उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ एड्यूकोडेमी पे आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो स्टार्ट होते हैं सिर्फ दस रुपये से यानी कि वड़ा पाव के प्राइज़ में आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलने वाले हैं एडिकोडेमी uh, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए एडिकोडेमी से आपको लेक्चर्स क्यों परचेज करना चाहिए बिकॉज वी प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स ऑल लेक्चर्स एक्सप्लेन इन हिंदी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है एच डी क्वालिटी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे तो अपने टाइम पे, अपने हिसाब से आप क्लास अटेंड कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आप एक सर्टन टाइम आपको देना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप अपने टाइम के हिसाब से लेक्चर्स एच क्वालिटी के जो लेक्चर्स है उनको डाउनलोड कर लो डिवाइस में उसके बाद जब भी आपका मन करे तब आप इन लेक्चर्स को ऑफलाइन भी देख सकते हो जरूरी नहीं है हमेशा ऑनलाइन रहकर इस पोर्टल पर आना है ओके सिलेबस इज एज़ पर मुंबई यूनिवर्सिटी एंड मोस्ट अफोर्डेबल ऑनलाइन क्लास जो कि एडोकोडेमी को बाकी सब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है बिकॉज लेक्चर्स आर स्टार्टिंग एट जस्ट रुपीज टेन तो ये एडोकोडेमी के कुछ खास पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट ये कि आपको क्वालिटी स्टाफ क्वालिफाइड टीचर्स की तरफ से क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे मैं भी रहूँगा और भी टीचर्स हैं जिसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे एंड एडिगोडेमी में दस रुपये में लेक्चर स्टार्ट होता है और अपने टाइम के हिसाब से आप लेक्चर्स को देख सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको एक सर्टन टाइम पे आना है आप एक बार अपने डिवाइस पे लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए फिर आपको जितने टाइम चाहिए उतने मर्जी जितने मर्जी जितने बार उसको पॉज करके देखना है घुमा फिरा के देखना है रिकॉर्डेड लेक्चर है एच क्वालिटी में जितने चाहिए उतने बार आप घर पर बैठ लेक्चर्स को देख सकते हो कहीं पर भी आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हो ओके स्टूडेंट्स आज का डेमो लेक्चर स्पेशली मैंने बनाया है एम पार्ट टू वन स्टूडेंट्स के लिए टीवाई बी कॉम स्टूडेंट्स के सारे डेमो लेक्चर ऑलमोस्ट सारे डेमो डेमोलेक्चर्स सब्जेक्ट्स के खत्म हो चुके हैं अभी थोड़े दिन के बाद वहां पर पेड लेक्चर्स आने वाले हैं अकाउंट्स के दो या तीन लेक्चर्स बाकी है डेमो जो कि बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे एंड थियरी सब्जेक्ट के सारे खत्म हो चुके हैं डेमो लेक्चर्स तो आप चेकआउट कर सकते हो एडुकोडेमी का वेबसाइट लिंक इस आ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एडुकोडेमी का वेबसाइट का एड्रेस आप नोट डाउन कर सकते हो डब्ल्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट लिंक है आपके लिए बिकॉज यहाँ पर क्वालिटी लेक्चर स्पेशली मेड फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी मिलेंगे हर डिवाइस में सपोर्ट करता है मे इट बी ऑन मोबाइल टैबलेट लैपटॉप कंप्यूटर आई डिवाइस एंड्रॉयड डिवाइस गूगल क्रोम हर किसी पे ये चलता है तो स्टूडेंट्स चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज का डेमो लेक्चर है फॉर एम पार्ट वन So Mcom part 1 students we are going to do strategic management subject and this is demo lecture ये लेक्चर एनुअल पैटर्न स्टूडेंट्स के लिए है जो सेमिस्टर पैटर्न के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज उनको भी ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक है एम कॉम पार्ट वन सेमिस्टर एज वेल एज आइडल ईयरली पैटर्न के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये डेमो लेक्चर इंपॉर्टेंट है तो वीडियो में एंड तक बने रहना आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी और डेमो लेक्चर कैसा पसंद है वीडियो को लाइक कर देना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और एडिगोडेमी विजिट करना मत भूलना चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज फर्स्ट लेसन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सो लेक्चर वाले पेज पर आ जाते हैं हम लोग यस वी हैव कम टू द चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहला चैप्टर में आपको डेमो देने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन सो so, इंट्रोडक्शन में हमको समझाया जाएगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट्स के बारे में क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हैज ब्रॉट अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ बोथ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो कंट्रीज के अंदर इकोनॉमी पूरी तरीके से चेंज हो चुका है जब हर जब कोई भी कंट्री ग्लोबलाइज नहीं थी तो कंट्री के अंदर ही सब कुछ चलता था तो वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के लेवल पे कंपटीशन कंट्री नहीं फेस करती थी लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन लाया गया है ना व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री के गुड्स और सर्विस हम दूसरी कंट्री में जाकर सेल कर सकते हैं और दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आकर कोई भी चीज को सेल या परचेस कर सकती है तो इस चीज को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है और जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स है वो आउट ऑफ इंडिया मतलब हमारी कंट्री के बाहर बाउंड्री के बाहर जाकर बिकता है तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना रहता है और जो दूसरी कंट्री हमारे यहां पर आकर सामान बेचती है उनको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना रहता है तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दोनों कंट्री म्यूचुअल बेनिफिट गेन कर सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा हमारा फॉरन एक्सचेंज फंड बढ़ेगा और जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा कम जाएगा बट दूसरी कंट्री इससे म्यूचुअल बेनिफिट कमाती है मतलब जो कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होती है उनके बीच में म्यूचुअल बेनिफिट शेयर होता है एंड दे कैन अर्न गुड फॉरन करेंसीज

These developments give rise to a new स इन बिजनेस पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इस वजह से हर बिजनेस को अब बहुत ज्यादा अलग लेवल पे एडवांस लेवल पे बिजनेस करना पड़ता है एडवांस लेवल का थिंकिंग और एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी और एडवांस लेवल का इनोवेटिव मेथड चाहिए रहता है बिजनेस करने के लिए बिकॉज कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से क्योंकि हम अब नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो बिजनेस पुरानी तरीके से करेंगे तो एक टाइम पर आके बिजनेस बंद हो जाएगा अगर हमें मार्केट में टिके रहना है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है तो हमको अच्छा खासा स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लान इस तरीके से करना पड़ेगा प्लान इतने अच्छे तरीके से करना पड़ेगा कि हमारा प्लान 100% वर्कआउट करे कंपनी का सेल्स बढ़े और कंपनी को प्रॉफिट गेन हो ड्यू टू दिस देर आर ड्रेस्टिक चेंज इन कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ये सब होने की वजह से बिजनेस करने का जो पूरा बेसिक तरीका होता है वही चेंज हो चुका है द सर्वाइवल एंड द सक्सेस ऑफ द फर्म इज इंफ्लुएंस सिग्निफिकेंटली बाई सुपीरियर स्ट्रेटेजीज लाइक बिजनेस हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कस्टमर एंड दर सेटिस्फेक्शन रैदर देन फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट एंड सेल्स अर्ली नाइनटीन सिक्सटीज कारपोरेट पैलिंग वॉज पॉप्युलर बट आफ्टर एटीज इट्स प्लेस हैज

टाइम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और अब हम कस्टमर को ज्यादा वैल्यू देते हैं हम कस्टमर पे ज्यादा फोकस करते हैं हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि कस्टमर 100 परसेंट उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद सैटिस्फाइड हो उनको सैटिस्फेक्शन मिले बिकॉज कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो ही वो रिपीट नेक्स्ट टाइम आके उस प्रोडक्ट को वापस परचेस करेगा और दूसरों को रिकमेंड करेगा और हमारे कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो कस्टमर पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट रैदर देन फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट ओके देर आर Number of example where some firms have प्रॉस्पर्ड एंड अदर हैिस्ट ओके ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिन्होंने अच्छा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के वजह से आगे चल के बहुत अच्छा नाम कमाया गुडविल कमाया कॉरपोरेट इमेज बनाया सेल्स बढ़ गया और आज वो एक अलग लेवल पे है वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसी है जो पेरिस्ट हो गई यानी कि खत्म हो गई है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सैमसंग कंपनी जब नया नया मार्केट में आया था तो इतना फेमस नहीं था कंपेयर टू नोकिया तब नोकिया मार्केट में बहुत अच्छा चलता था बड एज टाइम पास ऑन नोकिया फोकस करता गया प्रोडक्ट पे कस्टमर को भूलता गया सैमसंग फोकस करता गया कस्टमर पे आज देखो सैमसंग कहाँ पर है और नोकिया कहाँ पर है आई थिंक सो नोकिया बहुत आ, कुछ आप भी वापस नोकिया नोकिया जो है वो रीलॉन्च हुआ है बट कुछ साल पहले नोकिया जो है पूरी तरीके से बंद हो चुका था कंपनी का कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं आ रहा था मतलब ऐसा कहा जाए तो नोकिया मोबाइल मार्केट से निकल ही चुका था बट सैमसंग नंबर वन पे आ गया है आफ्टर एप्पल एंड वन प्लस की गिनती की जाती है क्वालिटी प्रीमियम फोन्स पे तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सैमसंग ने बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किया है द study स्टडी ऑफ दिस केस that बेसिक रीजन फॉर द सक्सेस एंड फेलियर are the टाइप्स ऑफ पॉलिटी दैट firm Uses. मतलब फर्म का जो सक्सेस और जो फेलियर है वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस तरीके के प्लान्स और किस तरीके की पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं दिस इज नोन एज बिजनेस पॉलिसी जिस कंपनी का बिजनेस पॉलिसी जितना अच्छा होगा आने वाले सालों में वो कंपनी बहुत ज्यादा तरक्की करेगी और जिस कंपनी का बिजनेस पॉलिसी अच्छा नहीं होगा वो कंपनी लॉस में चली जाएगी एक टाइम ऐसा आएगा जब कंपनी को बंद करने का नौमत आ जाएगी बिजनेस पॉलिसी रिफर्स टू डिसीजन अबाउट द फ्यूचर टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट बिजनेस पॉलिसी कौन बनाते हैं जो हायर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं बिजनेस में जो बड़े बड़े मैनेजर्स होते हैं वो बिजनेस uh, पॉलिसीज बनाते हैं बिजनेस पॉलिसीज का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाली चीजों का डिसीजन लेना की फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है सो दीज आर बिजनेस पॉलिसीज जो टॉप मैनेजमेंट लोग बनाते हैं इट इज गाइडलाइन गिवन टू एम्प्लॉयज बाय सीनियर मैनेजमेंट ये गाइडलाइन की तरह काम करता है जो कि सारे एम्प्लॉय को दिया जाता है बाय सीनियर मैनेजर्स उनको एक टास्क दिया जाता है कि देखो भाई आने वाले साल पे हमको इतना सेल्स या इतना प्रॉफिट मार्जिन रखकर अचीव करना है तो आपको उस तरीके से काम करना है ओके इट इज मीन एंड एंड मोल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर एंड कंटिन्यूस गाइडेंस ऑफ एक्शन टू अटेन गोल्ट्यूस फंक्शन है मतलब एक साल का एक टारगेट सेट किया हम उस टारगेट तक पहुंचे उस गोल को अचीव किया नेक्स्ट ईयर वापस एक नया टारगेट सेट किया वहां तक पहुंचे नेक्स्ट ईयर वापस एक टारगेट सेट किया तो ये एक माइलस्टोन टारगेट होता है मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि अपने गोल को आप अचीव कर लिए नेक्स्ट टाइम एक नया गोल सेट करोगे तो इस तरीके से बिजनेस पॉलिसी को बनाया जाता है नॉर्मली द बिजनेस पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ स्टडी ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं कंपनी के जो मेन होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उनके क्या क्या फंक्शन है रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है कंपनी में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो कैसे उस प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं अफेक्टिंग ऑन द सक्सेस ऑफ टोटल एंटरप्राइजेस अगर कोई प्रॉब्लम सीवियर है तो उस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाला जाएगा टॉप मैनेजर्स क्या उसका सोल्यूशन निकालते हैं और फिर उस सोल्यूशन को निकालने के बाद उसको लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि भाई हमारी कंपनी में यह प्रॉब्लम हुआ है और हमारे टॉप मैनेजर्स ने यह डिसीजन लिया है कि ये काम करना है और बाकी एम्प्लॉयज उस वे पर चलते हैं तभी कंपनी को सक्सेस मिलता है जब सब टीम वर्क में काम करेंगे देखो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं उनका काम होता है कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है उसको एनालाइज करना उसका सॉल्यूशन निकालना उसको सॉल्यूशन निकालने के बाद जो लोअर लेवल के लोग होते हैं जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये बात बताई जाती है कि टॉप लेवल मैनेजर्स ने ये ये डिसीजन लिए उनको बताया जाता है कि हमें पूरे साल इस तरीके से काम करना है तो जो लोअर लेवल के स्टाफ्स होते हैं जो लोअर एम्प्लॉय होते हैं लेवल पे काम कर रहे हैं सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज सबोर्डिनेट लेवल पे वो उस गाइडलाइन uh, को मानकर चलते हैं ताकि कंपनी का जो एम है जो गोल है उसको अचीव किया जाए दैट इज सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट डिटरमाइंस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज टू टॉप लेवल के मैनेजर्स आगे चल के बिजनेस को पांच साल बाद छह साल बाद हम किस पोजिशन पे देखना चाहते हैं उस पोजिशन पे देखने के लिए क्या चीज हमको करनी होगी ओके okay, हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का सेल्स बढ़े पांच साल बाद हमारी कंपनी का सेल्स हंड्रेड करोड़ का आंकड़ा पार करे तो उसके लिए क्या क्या करना होगा क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगानी होगी इसमें बिजनेस पॉलिसी बनाया जाता है इसी को बोलते हैं बिजनेस पॉलिसी ये जो प्लान किया जा रहा है पांच साल का इसी को बिजनेस पॉलिसी कहा जाता है चूजिंग द पर्पस एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस वजह से है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है ओके okay, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व किया जाना चाहिए ये सब बिजनेस पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है लास्टली इट इज कंसर्न विद प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अटेन इट्स गोल ईजिली अभी देखो कंपनी के पास अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं इन दोनों रिसोर्सेज को कहाँ पर लगाया जाए जैसे आपके पास पैसा है आपके पास कैपिटल आप uh कौन सी ऐसी जगह पर लगाओगे आप किस तरीके का प्रोडक्शन टेक्निक यूज करोगे किस तरह के मशीन्स कंपनी में लाओगे कहां पे जमीन खरीदोगे कहां पे ऑफिस बनाओगे तो आपके पास पैसा है आप इन इस पैसे को यूज करके ये सब चीजें करोगे अगर आप ये सब चीजें प्रॉपर तरीके से करते हो तो आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा आपका सेल्स बढ़ेगा देर विल बी अ ग्रेटर गुडविल और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में हमने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है एज वेल एज बीकॉम पे भी बीकॉम सेक्शन में जब हम बी कर रहे थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर उसमें भी हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक किया है जब कोई कंपनी बहुत अच्छा प्लान बनाती है तो उस कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही नहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी होता है तो अच्छा बिजनेस पॉलिसी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ला कर देता है लेकिन रिसोर्सेज प्रॉपर यूज किए जाने कहीं पर भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जाने चाहिए ठीक है अब जैसे मैंने बताया कि आपके पास पैसा है तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसी तरीके, पा, उसी तरीके से आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होता है लोग होते हैं अब राइट right पर्सन को राइट right जॉब देना एट राइट टाइम तो ये एक प्रॉपर वे होता है अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्ट कर दोगे जैसे एक काम को करने के लिए दो जन चाहिए लेकिन आपने चार जन को लगा कर रखा है तो वो दो जन जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो आपका वेस्ट है उनको सैलरी देनी पड़ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है उस काम के लिए दो ही जन चाहिए सो यू हैव टू मेक श्योर दैट उस काम के लिए दो ही जन रिक्वायर्ड है और दो ही जन काम कर रहे हैं नहीं तो जो एक्स्ट्रा आप लगाओगे वो आपका वेस्ट चला जाएगा तो जब हम बिजनेस पॉलिसीज बनाते हैं ये सब चीजें नहीं होती है आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो भी बराबर यूज होता है विदाउट एनी वेस्टेज आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी बराबर यूज होता है विदाउट एनी वेस्टेज सो दैट्स वाई बिजनेस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी का मीनिंग एंड डेफिनेशन करेंगे अनलाइक द प्योर साइंस विच हैव दायर फाउंडेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैनेजमेंट स्टडी ड्रॉप ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिस ऑफ मैनेजर इन डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट ओके जो साइंस होता है देखो स्ट्रेटेजी बनाना मतलब एक साइंस जैसा काम होता है लेकिन साइंस में क्या होता है हमारे पास कुछ नॉर्मल प्रिंसिपल होते हैं कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उनको यूज करके हम साइंस के नए प्रिंसिपल्स बनाते बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजीज होती है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसिस होते हैं जो पुराने मैनेजर्स जिन्होंने कोई बहुत बड़ी अच्छी कंपनी बनाई है, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे नए नए आती है कि उन्होंने कौन सा प्लान अपनाया था उन्होंने पूरी बाकी दूसरे है, वो इस पॉलिसी को बिजनेस पॉलिसी रूटेड इन द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एंड हैजेज थ्रू सर्टन फेजेस बिफोर टेकिंग एट शेप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलग अलग मैनेजर्स ने अलग अलग तरीका लगाया है अलग अलग फॉर्मूला लगाया है अलग अलग तरह के प्लानिंग किए हैं हम उन प्लानिंग को हमारे बिजनेस में भी ला सकते हैं लेकिन हमारा बिजनेस उनके बिजनेस से अलग है तो प्लानिंग में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे नई नई चीजें आती गई और इन स्ट्रैटेजीज इन फार्मूलाज को डेवलप किया गया अपडेट किया गया और धीरे धीरे इन्होंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का रूप ले लिया द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज अनडाउटली द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो स्ट्रैटेजी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिजनेस पॉलिसी का और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ठीक है अब जितना अच्छा स्ट्रैटेजी लगाओगे उतना अच्छा बिजनेस पॉलिसी बनेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज डिराइव फ्रॉम मिलिट्री प्रिंसिपल अब ये जो स्ट्रैटेजी वर्ड है इसको लिया गया है मिलिट्री प्रिंसिपल से वॉर के टाइम पे मिलिट्रीज लोग इस चीज को यूज करते थे स्ट्रेटेजीज यूज किए जाते थे मिलिटरीज के सो so, मिलिट्री को देख के इन मिलिट्री कॉन्टेक्ट द स्ट्रेटेजी इज द प्लान ऑफ एक्शन टू विन अ वॉर जब भी वॉर होता था उसको जीतने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी यह मिलिट्री आइडेंटिफाई द क्वालिटी and quantity of resources to be mobilized and used at the most appropriate time in a suitable and convenient manner to win a war a military log kya strategy banate the military log ke paas jo bhi resources available hota tha us resources ko wo is tarike se kaam pe lagate the ki koi cheez waste bhi na ho aur hum war bhi jeet jaye Business में यही चीज होती है Business में आपके पास resources होता है आप सही जगह पे resources को लगाओ और profit कमाओ अगर आप गलत जगह पे resources लगाओगे आपको loss आएगा in business parlance there is no definite meaning of strategy and used for number of things like mobilization and deploying resources systematically an attained organizational goal or पैटर्न ऑफ कॉमन थ्रेड रिलेटेड टू ऑर्गेल एक्टिविटीज फ्रॉमस में क्या होता है? आप में का कोई नहीं है. है, है आपको सबसे पहले देखना है कि आप फंड कहां से कलेक्ट कर सकते हो बिजनेस आपको करना है तो आप कैपिटल कहां से बना सकते हो कैपिटल लाने के क्या क्या रास्ते हैं आपके पास कैपिटल आ गया आप कैपिटल को किस जगह पर लगाओगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और बेस्ट प्रॉफिट मिलेगा तो इसी को हम स्ट्रेटजी बोलते हैं इट इज रिलेटेड टू पर्सुइंग दोज एक्टिविटीज व्हिच मूव एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन टू डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट अभी आपका जो कंपनी है वो जिस पोजीशन में है आपको इस पोजीशन से आपकी कंपनी को कहाँ पर लेकर जाना है ये एक अच्छा स्ट्रेटजिक मैनेजर बता सकता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि मेरे पास कितना रिसोर्सेज है और मैं उसको कहाँ पर लगाऊंगा तो 5 साल बाद मेरी कंपनी कहां पर जाएगी

Anticipating ऑफ opponents, आपके जो कंपटीशन है आपके बिजनेस के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है जिनको ओपोनेंट्स कहा जाता है तो ओपोनेंट्स क्या करने वाले हैं आप उनको टैकल करके खुद का तरीका बनाते हो और उस कंपटीशन को सरवाइव करते हो ये होता है स्ट्रैटेजी एज इट हैज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड रियली डिफिकल्ट टू फैथ होम विथ वॉट स्ट्रैटेजी मीन सो वी कैन कंक्लूड दैट इट्स द मीनिंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो स्ट्रैटेजी के बहुत अलग अलग मीनिंग है जिसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया बट पर्टिकुलरली देखा जाए तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है हमारी पूरी कंपनी का पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको कैसे अचीव किया जाए इट्स अ सिंपल मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी फॉलोइ आफ द डेफिनेशन विदल टू अंडरस्टैंड मीनिंग एंड स्ट्रैटेजी सबसे ईजी वाला करेंगे एल्फ्रेड डी चैंडलर क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स स्ट्रैटेजी क्या है लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करना ठीक है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइजेस और एंटरप्राइजेस क्या देखना चाहता है एंटरप्राइजेस का क्या मकसद है एंड द एडोपन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन और उस मकसद को कंप्लीट करने के लिए वो कौन सा तरीका यूज करेगा कौन सा एक्शन यूज करेगा एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ऑफ रिसो मतलब आपके पास रिसोर्सेज है आप उसको किस किस जगह पर लगाओगे आपके मकसद को अचीव करने के लिए आप क्या एक्शन करोगे जब आप एक्शन करोगे तो आपके रिसोर्सेज अलग अलग जगह पर लगेंगे तो कहाँ पर आप रिसोर्सेज को लगाओगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स तो आप जैसा पैसा जहां पर लगाओगे आपको मालूम है आपका गोल क्या है उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज है आप रिसोर्सेज को सही वक्त पर सही जगह पर लगाओगे तो आप आपका नेसेसरी गोल्स जो आपका अचीवमेंट है वो आप अचीव कर सकते हो अगर आपने सारी चीजर प्रॉपरली की तो तो इसको कहा जाता है स्ट्रेटजी तो बिजनेस में जो मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स उनका काम होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को करने का तो ठीक है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं दिस इज डेमो लेक्चर जब पेड लेक्चर अपलोड होगा तो वहां पे मैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी और आगे का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर अवेलेबल होगा सिर्फ और सिर्फ दस रुपए में तो कहां पे मिलेगा लेक्चर एडूकोडेमी जो कि नया ऑनलाइन पोर्टल है सिर्फ और सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्यूकोडेमी का लिंक दिया गया है फटाफट जाओ वहां पर बाकी सारे डेमो लेक्चर्स भी आपको वहीं पर मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए तो बार बार आपका इंटरनेट का डेटा वेस्ट नहीं होगा एक बार लेक्चर को डाउनलोड कर लिया जितने बार चाहिए उतने बार आप लेक्चर को घुमा फिरा कर देख सकते हो अपने टाइम के हिसाब से ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ऑनलाइन आओ एक बार डाउनलोड कर लिया उसके बाद आप नेट बंद करके ऑफलाइन रहकर कहीं पर भी बैठ कहीं पर भी कहीं से भी आप लेक्चर सुन सकते हो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो स्टूडेंट एडुकोडेमी को इसलिए स्टार्ट किया गया है बिकॉज आने वाले साल आने वाले साल में 2022 में मुंबई यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट होंगे और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको मालूम है फीस बहुत ज़्यादा होता है क्लासेस से भी अच्छा ऑफलाइन क्लासेस से भी अच्छा एच क्वालिटी लेक्चर आपको एडोकोडेमी पे मिलेगा बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल रेट सो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पर विजिट करो का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको अपने टैब में अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में जहाँ कहीं पर भी अपने मोबाइल में उसको सेव कर लो उस वेबसाइट एड्रेस को याद कर लो एंड डेली वहाँ पे विजिट करके आप लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो ओके okay, स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का जो रेड वाला बटन है उसको प्रेस कर दो और बेल वाला जो आइकन आएगा उसको भी दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ अभी एक के बाद एक सारे डेमो लेक्चर्स आने वाले हैं जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड यू कैन स्टे अपडेटेड और आप आपकी पढ़ाई घर बैठे अफोर्डेबल रेट में फ्री में शुरू कर सकते हो ओके okay, स्टूडेंट्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मैं तो बोलता हूं एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लेक्चर का लिंक लगाकर रख दो देखना आपके दोस्त लोग आपको थैंक यू बोलेंगे आकर और आपके दोस्त लोगों की बहुत ज़्यादा आप हेल्प करोगे उनके साथ भी इस लेक्चर को शेयर करो जो एम कॉम पार्ट वन आइडल से कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स बिजी हैं ऑनलाइन कुछ जॉब कर रहे हैं या फिर कंपनी में जाकर जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज यहाँ पर हर रोज लेक्चर अपलोड होते रहते हैं एज वेल एज एम सी क्यू क्वेश्चन भी अवेलेबल है आ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जहाँ पर आपको सारे एम सी क्यू क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे थैंक यू स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले एपिसोड में